योगी के राज में करीब एक महीने से जारी बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी गोरखपुर तो कभी फरुखाबाद बच्चों की कब्रगाह बन रहा है, लेकिन बावजूद इसके ना तो योगी सुन रहे हैं ना ही उनके अधिकारियों पर कोई फर्क पड़ रहा है। गोरखपुर में 68 बच्चों की तरह ही फरुखाबाद में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से 49 बच्चों की सांसें थम गई। फरुखाबाद के लोहिया अस्पताल में पिछले एक महीने में 49 बच्चों की मौत हो गई है। यहाँ भी मासूमों की मौत के लिए प्रशासन और अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। अपने जिगर के टुकड़ों की मौत पर बेबस और लाचार माता पिता ने डीएम को इसकी शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने एसडीएम को इस मामले की जाँच के आदेश दिए। इस मामले की जांच में पता चला कि ऑक्सीजन की कमी से ही बच्चों की जान गई है। यह मौतें 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच हुई हैं। रिपोर्ट के आधार पर ही इस मामले में अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर और चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 10 अगस्त को यूपी के गोरखपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। यहाँ ऑक्सीजन की कमी से 68 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद योगी सरकार पर कई सवाल खड़े हुए थे। हालांकि इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।